गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप महिंद्राज में आपका स्वागत है। पॉलिटी के लेक्चर सीरीज का क्लास नंबर 7 है। 6 क्लास हमने ऑलरेडी लगा रखी है। आपने क्या करना है कि उन 6 क्लास को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लीजिए। उन छः के जो 6 क्लास हैं उसमें 30-30 क्वेश्चन की सीरीज है। उन 30-30 क्वेश्चन को आप एक बार जरूर पढ़ लें, ठीक है? उसके बाद इस क्लास नंबर 7 को आप लगाने की कोशिश करें, ठीक? जो भी क्वेश्चन मैं बोलता हूँ आप उसको एक बार पहले खुद से लगाइए, देखिए कौन सा ऑप्शन आप सही बोल रहे हैं और कौन सा ऑप्शन आप गलत हो रहे हैं, ठीक? चलिए, ज्यादा टाइम आपको बर्बाद नहीं करूंगा, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि नियम नियम के बारे में बोला जा रहा है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है, ऐसा कौन सा रूल है लोकसभा में कार्य का आचरण एवं कार्यवाही नियमों का में संसद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव लाना शामिल नहीं है, इसलिए कोई मतदान नहीं होता है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा रूल है डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मल मोशन बिफोर द पार्लियामेंट हाउस, हेंस नो वोटिंग। ऐसा कौन सा रूल आप टेंस से डिसाइड करते हो, तो आपको याद रखना है 193। क्या याद रखना है आपने? 193 एक ऐसा रूल है जिसके तहत कोई भी मतदान नहीं होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला गया कि संसद में एक विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है। कल की क्लास में भी हमने ये सेम क्वेश्चन किया हुआ है और आज ये फिर से इसी इसी क्वेश्चन को उसने फिर से रिपीट किया है। बोलता है कि संसद में एक धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा। तो आपको याद रखना है स्पीकर साहब, कल भी मैंने आपको समझाया था कि जो स्पीकर होते हैं वही बताते हैं कि कोई भी बिल आपका मनी बिल है या नहीं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला ये गया है कि भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है, जीरो आवर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीरो आवर क्या होता है। तो प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय याद रखना है आपको, प्रश्न काल के तुरंत बाद का जो समय होगा, जो भी आपका क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर के बाद का जो समय होता है वो जीरो आवर का होता है। वो किसका होता है? आपका जीरो आवर का होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है हाउ मेनी सेशंस ऑफ लोकसभा आर नॉर्मली हेल्ड इन अ ईयर। एक वर्ष में लोकसभा के आमतौर पर कितने सत्र आयोजित किए जा सकते हैं, कितने आयोजित किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है तीन। कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तीन। एक वर्ष में लोकसभा के आमतौर पर कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है तीन। वो ग्रीष्मकालीन और आपका फिर आपका जो ठंड वाला एक आपका आता है और एक आपका होता है कौन सा, जो वर्षा वाला आता है, जो आपका, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तीन सत्र होते हैं आपके, आप सभी को पता होगा कि एक गर्मी वाला आता है, एक ठंडी वाला आता है और एक बरसात वाला आता है, आप ऐसे याद रखें। तो एक वर्ष में लोकसभा के आमतौर पर कितने सत्र आयोजित किए जाएंगे, तीन आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट वन आपसे बोला जाएगा कि लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत, आप देखिए कब से ये क्वेश्चन आया जा रहा है, हर बार हर पेपर में ये पूछते हैं सब घुमा फिरा करके वही क्वेश्चन कि पहली लोकसभा की शुरुआत कब हुई है, ठीक? और आपको मैं हर क्लासेस में लगभग ये क्वेश्चन तो आ ही जा रहा है, तो आपको याद रखना है 13th of May 1952, 13 मई 1952 को लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत की गई है, ठीक है? अगले पे बढ़ते हैं। बोला यह जा रहा है कि लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का निर्णय कौन लेता है, ठीक है ना। एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन इन लोकसभा, इसका निर्णय कौन लेता है, ठीक? कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन हुआ था, याद रखिएगा। ये भी कौन लेता है, लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वही लेते हैं निर्णय कि कौन सा प्रश्न जो होगा वो स्वीकार्य किया जाएगा। स्वीकार्यता का निर्णय कौन लेता है, तो वो स्पीकर साहब ही है हमारे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला ये जाना है कि संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान मतदान में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है। कल वाली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन था, आपको याद रखना है, कल वाली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन था और वहां पर भी मैंने आपसे बोला था कि कितने कितने मामले उठाए जा सकते हैं, तो 20 मामले उठाए जा सकते हैं, ठीक है ना। 20 मामले आपके क्या किए जा सकते हैं, उठाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आपसे बोला जा रहा है कि निम्न में से किस संसदीय समिति का कोई भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता है, ठीक है ना। राज्यसभा से कोई भी सदस्य इस समिति में नहीं बनेगा, ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, ठीक? याद रखना है आपको इसमें कौन सा ऐसा होगा, जो ऐसी कौन सी समिति जिसमें से राज्यसभा में कोई भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता है। तो आपको ये एक बात याद रखनी है कि ऐसा कौन होता है, कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, जो हमारी प्राक्कलन समिति है उसमें राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह जा रहा है कि भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। कोई भी पर्सन अयोग्य है, इसका निर्णय कौन लेगा। तो आपको यह याद रखना है, ये भी स्पीकर ऑफ लोकसभा ही होगा,
जो स्पीकर होंगे लोकसभा के, वही ये अंतिम निर्णय लेते हैं कि कोई बंदा, कोई भी पर्सन, कोई भी सदस्य जो है वो अयोग्य है कि नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन आपसे बोला जा रहा है कि हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको, राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति, जब राज्य की बात आएगी तो गवर्नर की बात आ जाएगी, कि जो गवर्नर ऑफ स्टेट होंगे वो राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू करते हैं। बोला जा रहा है, कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया सजा या सजा के संबंध में माफी देने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, जो भी पर्सन कोर्ट मार्शल होता है उसकी माफी गवर्नर तो नहीं दे सकते, उसकी माफी गवर्नर कभी नहीं दे सकते। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया सजा या संबंध में माफी देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपसे बोला गया कौन सही है, कौन सी बात सही है, तो ये तो बात आपकी सही है भाई, ठीक है ना, कि कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया जो सजा या संबंध है, कि भाई उस संबंध में जो माफी देने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है। फिर बोला जा रहा है कि मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने की शक्ति राज्यपाल को है, ना जी ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो कभी नहीं हो सकता। बोलता है कि जो गवर्नर साहब है, मृत्यु की सजा को निलंबित करने, हटाने या हंगामा करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ठीक है ना। तो आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आपको याद रखना है पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है, ठीक है ना, कि जो कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया सजा या संबंध, जो भी सजा या सजा है उसके संबंध में माफी देने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं, ठीक है ना, राज्यपाल के पास नहीं। क्या बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपसे कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, कहां पर आप महाभियोग, मतलब जो इम्पीचमेंट है आपका प्रेसिडेंट का, वो किस सभा से स्टार्ट हो सकता है, या तो राज्यसभा से होगा या तो लोकसभा से होगा, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगा। तो आपको याद रखना है किसी भी हाउस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या तो आप लोकसभा से स्टार्ट करिए या तो आप राज्यसभा से स्टार्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट वन आपसे क्या बोला जा रहा है, कौन राष्ट्रपति के आकस्मिक अवकाश के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जो राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न होता है। अगर मान लीजिए डेथ हो जाती है उनकी, और उनके उनके राष्ट्रपति जी की डेथ हो जाती है, और उसकी उनकी जगह पर अगर किसी पर्सन को काम करना है, कोई राष्ट्रपति बनकर के आ रहा है, तो पहला जो व्यक्ति बनकर के आएगा वो कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट साहब होंगे, कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया से, महाभियोग की प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है, मतलब जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस हो सकता है ना, रिमूव बाई द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, उसको हटाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाकी किसी पर इंपीचमेंट वाला प्रोसेस नहीं लगता। हमारे यहाँ भारत के जो राष्ट्रपति साहब हैं उनके ऊपर इंपीचमेंट लगा करके आप उनको हटा सकते हैं, ठीक है ना, जो हमारे ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, राज्यसभा में कितने सदस्य को नामित कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब, तो आपको ये याद रखना है 12 मेंबर, 12 मेंबर जो है वो नामित किए जा सकते हैं। जो 12 मेंबर होंगे वो राष्ट्रपति जी जो क्या करते हैं, राज्यसभा में नामित करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है, फिर से बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोला ये जा रहा है आपसे कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा लोकसभा के स्पीकर को, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बोला ये जा रहा है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है जी, यही बात खाली सही होगी, बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि कल भी हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति साहब है वो अपना इस्तीफा किसको दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति जी को दे, उपराष्ट्रपति जी को दे सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वन पर आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, बार बार आप यही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो जो आपको ये पता करने पर मजबूर करेंगे, जो आपको पढ़ने पर मजबूर करेंगे कि भाई कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्य के विधान परिषद को भंग कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है ना। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, जी बिल्कुल यही करेक्ट बात कही जा रही है, ठीक है ना, यही बात क्या कही जा रही है, करेक्ट बात कही जा रही है। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे राज्यपाल साहब है वो राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट आपको याद रखने की, यही स्टेटमेंट सही होगी और यही आपके आने वाले क्वेश्चन पेपर्स में फिर से रिपीट की जाएगी। तो इस लाइन को ही आप याद कर लें कि जो राज्य की विधानसभा है उसको केवल राज्यपाल साहब ही भंग कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन आपसे बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें क्या बोला जा रहा है,
बोला जा रहा है कि इसके पास वे शक्तियां हैं जो केंद्र के विरुद्ध राज्यों के अधिकार की रक्षा करती है। नहीं जी, बोलिए समझ में आई बात, कौन सी सही नहीं है ये पूछा हुआ है, तो ये तो सही है, नो डाउट, ये तो सही है बिल्कुल, इसके पास पावर है। सही नहीं है आपसे पूछा गया, याद रखिएगा, नॉट पूछा गया है आपसे, नहीं, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। बी वाला अगर हम ध्यान से देखें तो बोला जा रहा है कि यह धन विधेयक में ये नहीं जी, धन विधेयक में संशोधन का अधिकार इनके पास नहीं है, याद रखिएगा, धन विधेयक में संशोधन ये नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक, वो राज्यसभा में तो पेश ही नहीं होता, वो सीधे लोकसभा में पेश होता है, आपको एक बात याद रखनी है। इट कैन बी ऑन द एम अ मनी बिल, इसका मतलब ये धन विधेयक में संशोधन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बस यही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोला ये जा रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ ईयर, जो प्रेसिडेंट है हमारे देश के वो कितने साल तक अपने पद पे रह सकते हैं, ये तो सभी को पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, 5 साल तक, 5 ईयर्स तक राष्ट्रपति जी जो हैं वो पद पे रह सकते हैं अपने। नेक्स्ट वन आपसे कहा जा रहा है कि भारत में किस वर्ष 2 सदनों वाली प्रथम निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी? 2 सदन वाली, याद रखिएगा, फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट विथ टू हाउसेस कम इंटू बींग इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप 4 मार्क लगा ले, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना, फिर से रिपीट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा 1952 में दो आपकी जो पार्लियामेंट थी वो दो हाउसेस में डिवाइड होकर के आई, रोज राज्यसभा और लोकसभा, 52 में, याद रखना। नेक्स्ट वन आपसे बोला जा रहा है, 17वीं जो लोकसभा है उसके प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? जो 17वीं लोकसभा थी उसमें प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसको चुना गया था? तो आपको याद रखना है वीरेंद्र कुमार जी को, ठीक है ना, किसको चुना गया था? वीरेंद्र कुमार जी को चुना गया था, 17वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा जो थी आपकी उसको किसको चुना गया था? वीरेंद्र कुमार जी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोला ये जा रहा है कि ऑफ द 552 मेंबर ऑफ द लोकसभा, मेंबर रिप्रेजेंट द स्टेट, लोकसभा के 552 सदस्यों में से, 552 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना, कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपको याद रखना है 530, 530 मेंबर्स हैं जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे 552 में से, ठीक है। नेक्स्ट वन आपसे बोला जा रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु मापदंड क्या है, मतलब मिनिमम आयु क्या हो सकती है अगर आपको भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है ना, तो ये आप याद रखें, 35 साल, 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए तभी आप बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आपसे बोला जाता है, पूर्व राष्ट्रपति जो 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 थे हमारे प्रणब मुखर्जी जी ने पहला लोकसभा चुनाव वर्ष में जीता था, देखिए अब ये थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया क्वेश्चन, इतना हमें याद नहीं रह सकता, नो डाउट, लेकिन फिर भी आप अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपने आप देख लिया तो आप इसको याद कर जाइएगा कि जो हमारे पहले जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अभी थे प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने पहला लोकसभा चुनाव वर्ष किस वर्ष जीता था, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है 2004, 2004 में जीता, 2004 में जीता। नेक्स्ट वन आपसे बोला जा रहा है कि भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक, अब राज्यपाल की नियुक्ति ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट सर ही करते हैं, हमारे जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वही राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोला जा रहा है 75 से 70 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? लास्ट वाली स्लाइड में हमने देखा था, हमसे प्राइम मिनिस्टर पूछा गया था कि इस ईयर के दौरान पर पीएम कौन था, और यहां पर देखिए क्या पूछ लिया, राष्ट्रपति पूछ लिया, ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा उस समय जो थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद थे हमारे राष्ट्रपति साहब, दोनों याद रखिएगा, उस समय हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी मैडम थी, और इस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोला जा रहा है 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने थे? ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जब नेहरू जी की डेथ होती है 1964 में, उस समय कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने थे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? ठीक, तो आपको याद रखना है ये थे गुलजारी लाल नंदा जी, ठीक है ना, कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोला ही जा रहा है कि निम्न में से कौन लंबे समय तक पद पर रहने वाले भारतीय राष्ट्रपति हैं, सबसे लंबे समय तक जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला हुआ है वो कौन है इसमें से? तो आपको याद रखना राजेंद्र प्रसाद साहब है, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद साहब है जो सबसे लंबे समय तक हमारे यहाँ क्या थे, जो ये ऑप्शन दे रखा है, राजेंद्र प्रसाद साहब है जो सबसे लंबे समय तक ये अपने पद पे थे। अब आपसे बोला जाए कि भारत के सुरक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? देखिए वही क्वेश्चन है जो आप पढ़ते आ रहे हैं किताबों में कि भाई हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट साहब होंगे, हमारे राष्ट्रपति साहब होंगे, ठीक। नेक्स्ट मंथ बोला जा रहा है कि निम्न में से किस देश में राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार नहीं पाई जाती है, जहां पर आपको जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है गवर्नमेंट में डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपको याद रखना है कि भाई प्रेसिडेंट हमारे यहाँ यूएसए लिखा हुआ है, रशिया लिखा हुआ है, तुर्की लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है,
इंडिया में ही नहीं है, इंडिया में तो जो हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा काम कौन देखता है? पीएम देखता है। ठीक, आई होप आपको आज बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखिए आप, हमने 30 क्वेश्चन की सीरीज लगभग लगभग कंप्लीट कर दी है ये। ठीक, तो आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक, जितनी भी चीजें आप पढ़ते जा रहे हैं, आज हमारा ये 7th लेक्चर था। आप देखें अगर 30-30 क्वेश्चन के हिसाब से, तो एटलीस्ट हम अभी तक पहुंच चुके हैं 210 क्वेश्चन पे। अगर आप इन 210 क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़ करके जाएंगे ना, तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर इस सेम लेक्चर्स के साथ। आज आज के लिए थैंक यू वेरी मच।